हरियाणा पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है और प्रदेश के सभी जिलों में हरियाणा पुलिस के जरिए बाइक राइडर्स भेजे गए हैं जो कि इलाके में भीड़भाड़ और तंग गलियों में निरीक्षण करके बदमाशों की जल्द से जल्द धरपकड़ करेंगे। सिरसा जिला राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर पर है, ऐसे में दोनों बॉर्डर एरिया होने के चलते सिरसा जिले में काफी क्राइम के मामले सामने आते हैं और जिला में अपराध तंग गलियों का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो जाते हैं अपराधी। लेकिन अब पुलिस का दावा है कि बाइक राइडर्स की मदद से बदमाशों को जल्द से जल्द काबू किया जाएगा। सिरसा एसपी अर्पित जैन ने बताया है कि पुलिस विभाग की तरफ से सिरसा में भी 40 बाइक राइडर्स आए हैं और जिले भर में बाइक राइडर्स की मदद से चोरों और बदमाशों पर नकेल कसी जाएगी। पुलिस को आरोपियों पर कार्यवाही के दौरान इसमें मदद मिलेगी और जिले में अपराध का ग्राफ कम होगा। पुलिस का जो गाड़ियों का महकमा है उसमें 40 राइडर्स हमने शामिल किए हैं अभी, तो आज पूरे एक जिले का हम दौरा कर रहे हैं साथ में। ये अभी सारे थानों में जो है ये बाइक्स रेडियो वो हो जाएंगी डिस्ट्रीब्यूट, ताकि हमारी जो गश्त और पेट्रोलिंग है वो और ज़्यादा प्रभावी हो पाए। कोई वारदात करता है टू व्हीलर पर तो उनको इससे पीछा करना भी जो है आसान रहेगा। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बाइक राइडर्स को रवाना किया गया है और 40 बाइक राइडर्स जो हैं शामिल किए गए हैं और सिरसा से तस्वीरें हैं। सिरसा में जिस तरीके से तंग गलियों का फायदा उठाकर तमाम अपराधी जो है आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाया करते थे, तो ऐसे में अब इन आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगती हुई नजर आएगी। 40 बाइक्स जो हैं वो ऐड की गई हैं, राइडर्स जो हैं वो ऐड ऑन किए गए हैं और इससे सीधे तौर पर जो स्नैचिंग की घटनाएँ देखने को मिलती हैं और अन्य घटनाएँ जो देखने को मिलती हैं उनमें कहीं ना कहीं लगाम लगती हुई नजर आएगी। हमारे सहयोगी विजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं खबर पर अधिक जानकारियों के साथ, उनका रुख कर लेते हैं। विजय, जानकारी पूरे मामले को लेकर लेना चाहेंगे, जिस तरीके से हमने यहाँ पर एसपी अर्पित जैन को भी सुना, उनका भी कहना था कि काफी मदद जो है पुलिस महकमे को मिलेगी 40 बाइक राइडर्स के शामिल होने के बाद। बिल्कुल अभिषेक, सिरसा जिला को 40 बाइक राइडर्स मिले हैं। हालांकि पूरे हरियाणा की बात की जाए तो ऐसे सभी जिलों में कुछ ना कुछ बाइक राइडर हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार द्वारा मुहैया करवाई गई है। मकसद साफ है कि जैसे भीड़भाड़ वाला इलाका या तंग गलियों में से जो क्राइम की घटनाएं जो लगातार बढ़ती जा रही थी, लोग जिनके साथ छीनाझपटी होती थी, जिनके साथ क्राइम होता था, तो ऐसे में भीड़भाड़ और तंग गलियों का फायदा कहीं ना कहीं लुटेरे कहीं उठाते हुए दिखाई देते, तो ऐसे में हरियाणा पुलिस द्वारा एक नई मुहिम शुरू की गई है। सिरसा जिला को 40 ऐसी बाइक राइड दिए गए हैं जो तंग गलियां और जो भीड़भाड़ वाले इलाकों पर विशेष तौर पर निगरानी रखेंगे, निरीक्षण करेंगे और कहीं भी ऐसी घटना होती है तो तुरंत जो अपराधियों को वो काबू कर पाएंगे। जी विजय, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए भी।